तो यहाँ पर देख सके लफड़ा लगा हुआ है। पीना है तो पी के घर में जाके पियो, हेलो गाइस, हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। सो गाइस, मैं अभी घर से निकल के आ गया हूँ नगर टाउन पे। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं। तो हम आज एक बाइक रैली पे निकलने वाले हैं, तो देखते रहिए वीडियो को गाइस, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। गाइस देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पर मैंने अपने बाइक पे देख सकते हैं झंडा भी लगा लिया है। यही से खरीद के ने 150 रुपये में लिया है इस झंडे को। तो पहली बार जब फिफ्ट निकला था मैं रैली पे, तब मतलब एक बड़ा सा झंडा लेके निकला था और वो वाला झंडा मेरे दोस्त के पास रह गया है। तो अभी ये छोटा वाला झंडा लेके अभी निकलने वाले हैं हम यहाँ से। तो देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं टेंगापानी की तरफ। बहुत सारे लोग हैं जो आगे चले गए हैं। तो अभी हम अभी 5 लोग हैं यहाँ पर, तो हम 5 लोग एक साथ जा रहे हैं। मेरे साथ एक और रॉयल एनफील्ड आया हुआ है, देख सकते हैं उसमें मतलब साइलेंसर जो है वो उसको निकाल दिया है और उसका साउंड देख सकते हैं। मतलब आप लोगों का गज़ब का रिएक्शन देखने को मिलेगा इस वीडियो में, क्योंकि इस बाइक का साउंड ही कुछ अलग है, अलग होने वाला है। तो देखते रहिए वीडियो को गाइस, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओ भाई साहब, यहाँ पर बहुत गजब का रिएक्शन मिल रहा है गाइस। हर एक लोग मतलब देख रहे हैं पलट के। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं बहुत जाम लगा हुआ है। तो ये है रेल क्रॉसिंग लाइन। तो अगर आप सोचिए यहाँ पर रेल आता है, अभी रेल आता है तो कैसा होगा। तो गाइस सामने देख सकते हैं बहुत सारे बाइक आ रहे हैं, ये लोग वहीं से लौट रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा घर से निकलना थोड़ा लेट हो गया था। तो गाइस अभी हम आ गए हैं बाईपास की तरफ और यहाँ से हम डायरेक्ट सीधा जाएंगे और वहाँ से डायरेक्ट सीधा कोटियातुली का रोड ले लेंगे। तो गाइस सामने एक और ग्रुप है, वो भी नगाँव से आया हुआ है। तो हम अभी यहाँ पर रुकेंगे, तो देखते हैं वो लोग भी कहाँ जाते हैं, पूछ लेते हैं उन लोगों से। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं कोटियातली के अंदर।
तो आप लोगों को यहाँ पर अंदर आने के लिए मतलब गेट में आप लोगों को पर बाइक का 50 रुपीज़ देना होता है, तो वो दे के ही आप अंदर आ सकते हैं। तो हम फाइनली आ गए हैं अंदर, तो अभी जाते हैं और आप लोगों को जगह भी दिखाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि यहाँ पर एक पिकनिक प्लेस है, इसलिए यहाँ पर वैसे भी भीड़ रहता है। और ऊपर से आज तो रिपब्लिक डे है, तो इसलिए भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो गया है यहाँ पर। तो गाइस अभी हम आ गए हैं पहाड़ के नीचे, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे और बाइक को वहाँ पर पार्क करके थोड़ा सा पास जाएंगे वाटरफॉल के। तो देखते रहिए गाइस वीडियो को, और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस हम यहाँ पर आए हैं टेंगापानी, देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो मतलब रैली करते करते बाइक रैली करते करते यहाँ पर आके पहुँच गए हैं हम। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम पहाड़ी के बीच में आ गए हैं। तो मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ, तो यहाँ से मतलब ऊपर चढ़ना होता है, तो हम यहाँ पर चढ़ चुके हैं पहले ही। और अभी जो मेरे साथ आए हैं लोग वो पहले यहाँ पर कभी नहीं आए हैं, तो अभी चलेंगे हम सीधा वाटरफॉल की तरफ, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि उनको वाटरफॉल देखना है, तो अभी जाएंगे वहाँ पर। तो अभी तो जनवरी का सीज़न है, ऊपर से यहाँ पर रिपब्लिक डे भी चल रहा है, तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, देख सकते हैं। यहाँ पर मतलब 1000 से भी ज़्यादा लोग हैं, तो अभी जाएंगे हम वाटरफॉल की तरफ, देखते रहिए वीडियो को गाइस। तो गाइस हम आए थे यहाँ पर पहाड़ी पे वाटरफॉल के पास, तो अभी जा रहे हैं हम नीचे, यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो भी क्लिक कर लिया है और वीडियो भी बना लिया है, तो अभी जा रहे हैं नीचे। वहाँ पर देख सकते हैं सारे लोग जा रहे हैं, तो अभी जाएंगे वहाँ पर नीचे। यहाँ से ऊपर जाना होता है, जो कि हम पहले भी जा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं तेंगापनी ब्लॉग में, तो बहुत ऊपर है, मतलब हम अभी नहीं गए क्योंकि बहुत ऊपर है अभी, और बहुत ही कठिनाई की सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर पत्थर जो है बहुत फिसलन है वहाँ पर, इसलिए नहीं गए। तो अभी हम जाएंगे नीचे, वहाँ पर सभी वेट कर रहे हैं, तो अभी जाते हैं नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ का नज़ारा मतलब बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से मतलब वाटरफॉल जो है बहता हुआ नीचे की तरफ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, तो अभी जाते हैं। मेरे सारे साथी जो है नीचे गए हैं, लौरा फक यू बल। यहाँ पर मतलब माल पी के मतलब ड्रिंक करके यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसलिए कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है उन लोगों को, इसलिए गाली दे रहा है वो वाला लड़की, देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं वहाँ का नज़ारा, मतलब यहाँ पर जो है बहुत बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को पहाड़ी भी मिल जाता है, देख सकते हैं जो कि यहाँ पर मेरे बीच मतलब पीछे है, यहाँ पर भी है बहुत मतलब चारों तरफ है पहाड़ी, और वाटरफॉल भी है। वाटरफॉल जो है मतलब एक ही है, और ये आप लोगों को ऊपर से बहता हुआ दिखाई देगा, अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो ऊपर देखा देगा, तो ये ऊपर से बह के मतलब नीचे की तरफ आती है, और नीचे जो है आप लोगों को चाय पकान मिल जाएंगे देखने को। और गाइस इस रिपब्लिक डे मतलब ये हमारे देश में 75th रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, और हर एक इंडियन मतलब रिपब्लिक डे को अच्छे से मना रहा है।
पहले की तरह मतलब इतना सारा भीड़ नहीं है, फिर भी मतलब रिपब्लिक डे का जो खुशी है मतलब सारे इंडियंस मनाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं मतलब साथिया आप लोग आए थे, तो जगह को मतलब अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, अभी जा रहे हैं नीचे की तरफ। अच्छा लगा यहाँ पर आके, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ, तो मुझे इतना कुछ एक्सप्लोर करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले भी मैं दिखा चुका हूँ जगह आप लोगों को। तो अगर आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे पुराने ब्लॉग को, तो इस ब्लॉग में भी आप लोग देख सकते हैं जगह को। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप इस जगह पे आ सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप लोगों को अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और पिकनिक भी बना रहे हैं, और साथ में रिपब्लिक डे भी। तो यहाँ पर बकरी है, यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आप भी बहुत अच्छा जगह है, और आप लोग यहाँ पर फोटोशूट भी कर सकते हैं और रील्स भी बना सकते हैं, आप लोगों का मर्जी है, जो भी कर सकते हैं आप आराम से कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं लफड़ा लगा हुआ है, तो पी के घर में जाके पियो। अबे ऐसा मत कीजिए मैम, तो यहाँ पर लड़की जो है बहुत ही गर्म हो चुकी है, देख सकते हैं एकदम लगा हुआ है। আমি মানে সৃষ্টি করছি, মানি আসো, তার মিষ্টি কইছে মানি আসো, আমি মানি আসো, আমি তার মিষ্টি কইছে মানি আসো, ওকে तो गाइस यहाँ पर एक लफड़ा हो गया था, या मतलब पहाड़ी से हम जब उतर रहे थे तब कुछ लड़की आ रही थी, मतलब यहाँ पर बहुत क्राउड हो रहा था। तो आते वक्त मेरे जो दोस्त हैं मतलब उनके मतलब कोनी पे मतलब टच हो गया था, इसलिए मतलब उन लोगों ने सीन क्रिएट कर दिया, और कुछ लोग भी बुला लिया था। तो हम लोगों ने मतलब जैसे तैसे मैनेज कर लिया यहाँ पर, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है, और ये जो लोग थे मतलब यहाँ का लोकल थे, तो हम लोगों ने जैसे तैसे मैनेज कर लिया है। और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, और पर जो मतलब सीन क्रिएट हुआ है इसको हम इतना सीरियस नहीं लेते, क्योंकि नॉर्मल केस है, क्योंकि हम इतना यहाँ पर इतना क्राउड है, आप लोग देख सकते हैं मतलब बहुत सारे क्राउड है, तो ऐसा नॉर्मल है यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। Yeah.